हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड माय नेम इज विकास हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से हम एंड्रॉइड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जी मेल एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर पे जहां पर आपको होम ऑल कोर्सेज माई कोर्सेज डाउट का सेक्शन मिलेगा हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पी मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसकी पी के साथ ही साथ हम आपको क्विज़ भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पी को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज़ भी अटैम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पर डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जहां हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सके एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे नेक्स्ट हम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर sure करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटैम्प्ट कर सकें हम डेली बेसिस पे आपको पी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं नॉट जस्ट दिस अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की अर्निंग हो सके नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कॉन्टेंट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न किस तरीके का सिलेबस आता है किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिल सके इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स गवर्नमेंट स्कीम्स इंटरनेशनल अफेयर्स विजिट्स बैंकिंग एंड फाइनेंस इकोनॉमी से रिलेटेड स्पोर्ट्स डिफेंस कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके सो फ्रेंड्स डू चेक आर एप्लीकेशन इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग हेलो एवरीवन तो आज की वीडियो में हम सत्रह फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा तो एंड तक बने रहिएगा चलिए स्टार्ट करें सबसे पहला क्वेश्चन आता है सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया एनर्जी वीक अभी कहां पर हुआ हम बात कर रहे हैं इंडिया एनर्जी वीक की जो कि अभी गोवा में हुआ था सेकेंड एडिशन रहेगा इंडिया एनर्जी वीक का 6 से लेके नौ फरवरी तक हमें देखने को मिला था ये इंडिया एनर्जी वीक करेक्ट और गोवा में हुआ था ये याद रखेंगे साउथ गोवा में इसी के दौरान दो तीन इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे सबसे पहली इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई जो कि है इंडिया ऑयल मार्केट आउटलुक रिपोर्ट दूसरी नीति आयोग ने किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स के साथ यहां पे टाई अप करके एक और रिपोर्ट निकाल लिया ऑन एल एनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस के ऊपर कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं कमर्शियल व्हीकल्स में एंड तीसरा याद रखेंगे इंडिया एंड कतर इन दोनों के बीच में एक डील साइन हुई 20 साल के लिए इंडिया एलएनजी को इंपोर्ट करेगा कतर से 2029 से लेके 2048 तक ठीक है और ये जो डील है 78 मिलियन डॉलर्स की ये डील रहेगी तो ये तीन चीज यहां पे याद रखेंगे ये कुछ हाइलाइट्स हैं नेक्स्ट पर आते हैं 100 क्यूब इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड वेयर 100 क्यूब इनिशिएटिव 100 क्यूब ऐसे होता है ना 100 क्यूब का मतलब मतलब तीन बार 100 तीन बार 100 का मतलब क्या हुआ कि 100 स्टार्टअप्स खड़े करने हैं सौ करोड़ की वैल्यूएशन पे एंड हंड्रेड फाउंडेशन डे पे हंड्रेड फाउंडेशन डे तक ऑफ ओडिसा ओडिशा के हंड्रेड फाउंडेशन डे तक सौ स्टार्टअप हम सौ करोड़ वैल्यूएशन के खड़े करेंगे ये इनिशिएटिव है हंड्रेड क्यूब इनिशिएटिव जो कि आईआईटी भुवनेश्वर के द्वारा लॉन्च किया गया आईआईटी भुवनेश्वर में इसको लॉन्च किया गया था राइट स्टार्टअप्स को फंड करने के लिए स्टार्टअप्स को हेल्प करने के लिए उनको ग्रो करने के लिए ये हंड्रेड क्यूब इनिशिएटिव यहां पे लॉन्च किया गया है इसी के साथ साथ याद रखेंगे आई इन्होंने आई भुवनेश्वर के साथ पार्टनर किया फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ग्रोथ लाने के लिए रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए करेक्ट इसीलिए आई ने यहाँ पे आई भुवनेश्वर के साथ टाइप किया और ये जो एमओयू है इनके बीच में जो ये एमओयू साइन हुआ ये हंड्रेड क्यूब स्टार्टअप इन कॉन्क्लेव के दौरान ही हुआ था IREDA की बात करें तो ये मिनिज रत्ना कैटेगरी वन सी पी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आती है नेक्स्ट इसी के साथ साथ आई एक एल एंडिंग एग्रीमेंट में इन्होंने एक एमओयू साइन किया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ोड़ा के साथ फॉर कोल लैंडिंग फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल एंड एनिमल एंड डेयरिंग इन्होंने एग्जाम कर दिया है किसको इनकम टैक्स से तो डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को यहाँ पे एग्जाम्प्ट कर दिया गया है फ्रॉम इनकम टैक्स काफी इंपॉर्टेंट है मार्क करके चलेंगे जो डिडक्शन है मिल्क सप्लाई के उसके अंदर उसको आप ले सकते हो अंडर सेक्शन एटी पी के अंदर आप डिडक्शन ले सकते हैं देन सरचार्ज रिडक्शन ले सकते हैं करेक्ट एंड सरचार्ज रिडक्शन के साथ साथ टैक्स एडजस्टमेंट कर सकते हैं फिर अमेंडमेंट्स लाई गई हैं अंडर द सेक्शन टू सिक्स नाइन टी करेक्ट चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है विथ स्टेट इंट्रोड्यूस्ड पटना डेक्लेन ये इंपॉर्टेंट है पटना डेक्लेशन किस स्टेट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया फॉर बर्ड कंजर्वेशन इनिशियटिव इन साउथ एशियन रीजन साउथ एशियन रीजन में बर्ड कंजर्वेशन को बढ़ावा देने के लिए इसको और स्ट्रांग करने के लिए कि बर्ड हंटिंग रिड्यूस की जा सके राइट right? बर्ड्स को जो मारा जाता है इलीगल हंटिंग होती है उसको रोका जा सके करेक्ट तो ये पटना डेक्लेन बेसिकली बर्ड्स को कंजर्व करने के लिए था बर्ड्स की कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स को और स्ट्रांग बनाने के लिए था किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया पटना कंजर्वेशन पटना कहां पर है बिहार में तो ये बिहार के द्वारा लॉन्च किया गया है पटना कंजर्वेशन ठीक है यहां पर बर्ड्स को कैसे हम सेव कर सकते हैं जो इलीगल हंटिंग होती है उसको कैसे कम कर सकते हैं इन चीजों के ऊपर यहां पर बात की गई नेक्स्ट नेक्स्ट आता है फिर किस मिनिस्ट्री ने इशू की गाइडलाइंस फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ पायलट प्रोजेक्ट्स टू यूज ग्रीन हाइड्रोजन इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर पायलट प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं जब आप ट्रायल बेसिस पे किसी प्रोजेक्ट को लाते हैं राइट उसका ट्राई कर रहे हैं पहले तो अभी किस मिनिस्ट्री ने ग्रीन हाइड्रोजन के यूज को ट्रांसपोर्ट सेक्टर में पायलट बेसिस पे लॉन्च करने का अभी गाइडलाइंस रिलीज की वो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन हाइड्रोजन का बेनिफिट बताया था मैंने आपको क्या कि ये बर्न होने पे वाटर वेपर्स को रिलीज करता है इस पर कोई भी कार्बन का कोई भी कंपाउंड नहीं निकलता चाहे वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो या चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो कुछ भी कार्बन से रिलेटेड यहाँ पे बर्न नहीं होता है या बाय प्रोडक्ट नहीं निकलता है सिर्फ वाटर वेपर यहाँ पे बाय प्रोडक्ट होता है करेक्ट इसलिए ये क्लीन है एंड इसको ट्रांस जो हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उस पर इसका क्या यूज़ रहेगा क्या ये सफिशेंट रहता है या नहीं क्या ये एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी बन सकता है यानी ऑल्टरनेटिव फ्यूल बन सकता है या नहीं उसको यहाँ पे लॉन्च किया गया उसको ट्रायल बेसिस पे नेक्स्ट पे आते हैं फिर वेयर वॉज द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड माइग्रेटरी स्पीशीज रिपोर्ट रिलीज एट दी एम एस कॉफ फोर्टीन कॉप फोर्टीन अभी कहां पर हुई उज्बेकिस्तान में हुई करेक्ट कॉप फोर्टीन सी एम एस सी एम एस क्या है ये आपका ये भी याद रखेंगे सीएमएस है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज कन्वेंशन राइट तो अभी कॉप फोर्टीन की सी एम एस हुई या फिर सी एम एस कॉप फोर्टीन हुई कहां पर उज्बेकिस्तान में करेक्ट एंड ये इसकी एक स्लोगन भी याद रखेंगे यहां पर जिसके बेसिस पे आपका ये सी एम एस कॉप फोर्टीन हुआ वो है नेचर नोस नो बॉर्डर्स ठीक है एंड यहां पर इसी को सीएमएस कॉप फोर्टीन को एक और नाम से जाना जाता है बॉन कन्वेंशन तो क्वेश्चन आ सकता है कि बॉर्न कन्वेंशन कहां पर हुआ उज्बेकिस्तान में सीएमएस कॉप फोर्टीन कहां पर हुआ उज्बेकिस्तान में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ये है सी एम एस कॉप फोर्टीन जिसको हम बॉन्ड कन्वेंशन भी कहते हैं उज्बेकिस्तान में हुआ बारह से लेकर सत्रह फरवरी के, के बीच में हमें यह देखने को मिला राइट और यह पहला कॉप है ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंटल ट्रिटी जो कि सेंट्रल एशिया में हमें देखने को मिला सिमिलरली याद रखेंगे अगर मैं बात करूँ यूनाइटेड नेशन एन्वायरमेंट प्रोग्राम की हेडक्वार्टर कैंप है नायरो कीनिया में यहां पर आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन रहेंगे इंगर एंडरसन और 1972 में यू को स्टैब्लिश किया गया वन नाइन्टी मेंबर स्टेट्स रहेंगे यू के मूविंग ऑन यहां पे देख सकते हैं वन इन फाइव ऑफ द वर्ल्ड्स माइग्रेटरी स्पीशीज एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन एज पर द रिपोर्ट रिलीज बाय यूनाइटेड नेशंस और ये रिपोर्ट का नाम क्या था स्टेट ऑफ द वर्ल्ड माइग्रेटरी स्पीशीज रिपोर्ट मूविंग ऑन नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस के ऊपर तो अभी आई के द्वारा इशू किया गया ड्राफ्ट रेगुलेशंस फॉर बीमा सुगम इंश्योरेंस ई मार्केट प्लेस इससे पहले याद रखेंगे आई के द्वारा एक और इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था कि जो आयुष के अंडर हम ट्रीटमेंट लेंगे ना उनको भी कवर किया जाएगा अंडर मेडिकल इंश्योरेंस बाय इंश्योरेंस कंपनीज राइट पहले तो आपके नॉर्मल हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट जो होते थे उनको कवर किया जाता लेकिन अब आयुष रिलेटेड जो भी आपके ट्रीटमेंट्स होंगे वो आपके कवर किए जाएंगे इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा एंड ये इनको लागू करना पड़ेगा फ्रॉम फर्स्ट ऑफ अप्रैल दो हजार चौबीस कमिंग बैक आई आर डी आई ने इश्यू किया एक्सपोजर ड्राफ्ट रेगुलेशन आईआरडीआई रेगुलेशन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉल्ड बीमा सुगम बीमा सुगम क्या बेसिकली एक ई मार्केट प्लेस रहेगी फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ इंश्योरेंस ताकि वो अपनी ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी दिखाकर जो इंश्योरेंस की पॉलिसीज हैं उनको यहां पर लिस्ट कर सके मार्केट प्लेस है ना बेसिकली तो अलग अलग ऑर्गेनाइजर्स अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज यहां पर अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज को लिस्ट कर सकते हैं एंड ट्रांसपेरेंसी यहां पर मेंटेन की जाएगी इसी के साथ साथ आप ध्यान देंगे तो यहां पर आई आई ने प्रपोज किया कि पहले जो आपका फ्री लुक पीरियड होता था ना वो फिफ्टीन डेज का होता था उसको बढ़ाकर हाँ बात की गई ताकि जो इंटरेस्ट है पॉलिसी होल्डर्स का हम उसको प्रोटेक्ट कर सके राइट आईआरडीआई आई की बात करें तो चेयरमैन कौन रहेंगे देवशीष पांडा एंड हेडक्वार्टर रहेगा हैदराबाद तेलंगाना में मूविंग ऑन फिर आ जाते हैं फेडरल बैंक के ऊपर फेडरल बैंक ने अभी रिसेंटली स्टेलर सेविंग अकाउंट लॉन्च किया एंड एक मास्टर कार्ड एनेबल्ड स्टेलर डेबिट कार्ड को लॉन्च किया गया तो दोनों चीज याद रखेंगे अगर क्वेश्चन आता है कि स्टेलर सेविंग अकाउंट या डेबिट कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया, तो किया गया तो फेडरल बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं फिर एक चीज और ये मास्टर कार्ड के द्वारा पावर किया जाएगा किसके द्वारा मास्टर कार्ड के द्वारा इसको पावर

इन्होंने रिसेंटली अभी एक टर्म ऑफ रेफरेंस साइन किया ताकि जो दोनों कंट्रीज हैं उनके बीच में जो पेमेंट है उसको एनेंस किया जा सके एंड यू एंड एनपीआई की मदद से यूपीआई इंडिया का एन नेपाल का इनकी मदद से जो क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस है उसको बढ़ावा दिया जा सके पेमेंट्स को ईजी किया जा सके कॉस्ट इफेक्टिव फंड ट्रांसफर्स हो सके दोनों कंट्रीज के लोगों के बीच नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिया का सेकंड कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया ऑन रूपे नेटवर्क राइट right, पहला लॉन्च किया गया था इंडस इंड बैंक के द्वारा दिसंबर 2023 में ई e सवरना नाम का ऑन रुपए नेटवर्क और अब लॉन्च किया गया है इंडिया का सेकंड कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड बॉब कार्ड एंड एनपीसीआई द्वारा मिलके बॉब कार्ड क्या है जिसको हम पहले बोलते थे बैंक ऑफ बड़ोडा फाइनेंशियल सोल्यूशंस लिमिटेड राइट इन्होंने एनपीसीआई के साथ मिलके सेकेंड इंडिया का सेकेंड कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया ऑन रूपे नेटवर्क नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस पर अभी ईशा अम्बानी ने रिसीव किया स्पेशल अवार्ड एट लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर 2024 ट्वेंटी सेरेमनी जो मुंबई में हुई करेक्ट तो ईशा अम्बानी ने जो महाराष्ट्र का नाम यहाँ पर बेसिकली uh, हम कहें महाराष्ट्र को प्राउड किया एट इंडिया एंड ग्लोबल लेवल इसीलिए यहाँ पर इनको सम्मानित किया गया इससे पहले 2016 में नीता अम्बानी को भी सम्मानित किया गया था विद स्पेशल अवार्ड एट द लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर और ये लोकमत ऑफ द ईयर सेरेमनी जो हुई थी ये लोकमत जो न्यूज़पेपर है उनके द्वारा कराई जाती है नेक्स्ट पर आते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इनके द्वारा भी प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए हैं इनके सेवेंटी सेकेंड प्रेजिडेंट कौन रहेंगे सी ए रंजीत कुमार अग्रवाल वाइस प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं सी ए चरणजोत सिंह नंदा एक और चीज याद रखेंगे जरा ये सीए रंजीत कुमार अग्रवाल किनको रिप्लेस करेंगे सीए अनिकेत सुनील तलात्री को ये रिप्लेस करेंगे टू बी द 72nd प्रेसिडेंट ऑफ ICAI फॉर द टर्म 2425 ठीक है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज पर आ जाते हैं तो नेशनल वुमेन्स डे ऑब्जर्व करते हैं 13 फरवरी को एंड वुमेन्स की ये डे क्यों ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है सरोजनी नायडू जो कि फेमसली जिनको बोला जाता है नाइटिंग गेल ऑफ इंडिया या फिर भारत को किला राइट इनके इन्होंने जो राइट्स के लिए वर्क किया है उसको यहां पे एंड इवन व्यूमेन्स के जो अपने राइट्स हैं राइट उनको यहां पे ऑनर करने के लिए उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है एंड इस साल 2024 में हमने हंड्रेड एंड फोर्टी फिफ्थ बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी है सरोजनी नायडू की तेरह फरवरी को नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे जो बच्चों को कैंसर हो जाता है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराना राइट right, उनको सपोर्ट करना उनकी हेल्प करना टू फाइट बैटलिंग कैंसर कैंसर सर्वाइवर्स कैंसर सर्वाइवर्स के लिए एंड देयर फैमिलीज के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे जो कि हम पंद्रह फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं गोल्ड रिबन गोल्ड रिबन इसका सिंबल रहेगा इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे का एंड यहां पर आप एक कैंपेन याद रखेंगे क्या है अनविलिंग चैलेंजेस नेक्स्ट आ जाता है फिर स्टेट न्यूज अरुणाचल प्रदेश बिकेम द फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू अचीव हंड्रेड परसेंट हाउसफोल्ड टैप वाटर कनेक्शन पहली स्टेट पहली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बन गई है अरुणाचल प्रदेश जो इसके घर जहां पर हंड्रेड परसेंट हमें टैप वाटर कनेक्शन देखने को मिलता है एंड ये जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई गई हैं जल जीवन मिशन के अंदर प्रोवाइड की गई हैं जो कि 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा लॉन्च किया गया था कि 2024 तक हम हर घर में रूरल इंडिया के हर घर में हम टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड कराएंगे ठीक है तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिविजन पर सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया एनर्जी वीक का हुआ गोवा में छह से नौ फरवरी के बीच धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा हंड्रेड क्यूब इनिशिएटिव लॉन्च किया गया एट आई आई भवनेश्वर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री ने एग्जेम्ट किया टैक्स फॉर डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बिहार ने इंट्रोड्यूस किया पटना डेक्लेन टू स्ट्रेंथन बर्ड कंजर्वेशन इिशिएटिव इन साउथ एशियन रीजन देन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने गाइडलाइंस लॉन्च की फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स टू यूज ग्रीन हाइड्रोजन इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर देन द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड माइग्रेटरी स्पीशीज रिपोर्ट रिलीज की गई एट सी एम एस कॉप फोर्टीन इन उजबेकिस्तान आई आर डी आई ने इशू किया ड्राफ्ट रेगुलेशन फॉर बीमा सुगम इंश्योरेंस ई मार्केट प्लेस फेडरल बैंक ने लॉन्च किया स्टेलर सेविंग अकाउंट एंड मास्टर कार्ड एनेबल्स स्टेलर डेबिट कार्ड नेक्स्ट आ जाता है आर एंड नेपाल राष्ट्र बैंक इन्होंने साइन किया एक टर्म ऑफ रेफरेंस ताकि यू ऑफ इंडिया एंड एन ऑफ नेपाल को लॉन्च इंटीग्रेट करके हम जो क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस है उसको बढ़ावा दे सकें देन बॉब कार्ड एंड एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया इंडिया का सेकंड कारपोरेट क्रेडिट कार्ड ऑन रूपे नेटवर्क पहला इंडस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था ई e सवरना देन ईशा बानी ने रिसीव किया स्पेशल अवार्ड एट एल एम ओ टी वाई दो हजार चौबीस आई सी ए आई ने इलेक्ट किया सी ए रंजीत कुमार को एस दे आर सेवेंटी सेकेंड प्रेजिडेंट एंड सी ए रंजीत सी ए चरनजोत सिंह नंदा को अपॉइंट किया गया एस वाइस प्रेजिडेंट नेशनल वीमेंस डे तेरह फरवरी इंटरनेशनल चाइल्ड हुड कैंसर्स डे पंद्रह फरवरी एंड अरुणाचल प्रदेश व पहली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बन गई टू तो अचीव हंड्रेड परसेंट हाउस होल्ड टाइप वाटर कनेक्शन तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके जरूर बताना आपके क्या व्यूज रहेंगे अब चलते हैं कुछ रिविजन करंट अफेयर्स पर जो आपके लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेंगे चलिए नेक्स्ट आ जाता है वॉट इज द इंडियाज रैंक इन आई एम डीज सेवेंथ एडिशन ऑफ द वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटेटिवनेस रैंकिंग दो के लिए तो हम सेवेंथ एडिशन की बात कर रहे हैं ऑफ द वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटेटिवनेस रैंकिंग राइट आईएमडी के द्वारा रिलीज किया गया यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इंडिया की रैंक क्या रहेगी तो इंडिया की रैंक आ जाती है फोर्टी नाइन करेक्ट इसी में अगर आपसे पूछा जाए ये टॉप किसने किया तो यूएसए ने यहाँ पे फर्स्ट पोजिशन सिक्योर करी राइट एंड तीन कैटेगरीज में जो आपके नॉलेज है राइट आपकी टेक्नोलॉजी है एंड फ्यूचर रेडीनेस में यहाँ पर यूएसए ने टॉप किया नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है नेम द कंट्री जिन्होंने जो दैट हैज रिसेंटली बिकेम अ मेंबर ऑफ बेस्ट कंसोडियम बेस्ट क्या है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम तो इंडिया अभी पार्ट बन गया है बेस्ट कंसोर्टियम का एंड अभी टोटल 11 कंट्रीज़ ने यहाँ पे ज्वाइन किया बेस्ट टोटल पार्ट रहेंगी बेस्ट कंसोर्टियम की 11 कंट्रीज़ कॉप 2028 हज़ार अट्ठाईस कॉप अट्ठाइस के दौरान जो कि दुबई यू में हुआ था इसके दौरान यहाँ पे इंडिया ने ज्वाइन किया है बेस्ट कंसोर्टियम को एंड इनका टारगेट रहेगा कि दो के एंड तक हम पाँच गीगा ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करने की कैपेसिटी हम सेटअप कर सकें मिलकर नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनलिटीज़ फ्रॉम इंडिया इज नॉट लिस्टेड अमंग द फॉर्ब्स ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री वर्ल्ड्स हंड्रेड मोस्ट पावरफुल वीमेन पब्लिश्ड इन दिसंबर इनमें से सभी लिस्ट हैं एक्सेप्ट नीता अंबानी जी ये लिस्ट यहाँ पे नहीं की गई है इन द वर्ल्ड्स हंड्रेड मोस्ट पावरफुल वीमेन निर्मला सीतारामन की बात करें तो उन्होंने टॉप किया है इंडिया की वीमेन की लिस्ट में इनकी रैंक रहेगी थर्टी टू फिर बात करें रोशनी नादर मल्होत्रा की यह आ जाती हैं सिक्सटी रैंक पर सोमा मंडल की बात करें तो सेवेंटी आन किरण मजूमदार शॉ ये सेवनटी सिक्स पोजिशन पे नेक्स्ट एज पर द वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट बाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन दिसंबर इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ अबाउट सिक्सटी सिक्स परसेंट ऑफ द मलेरिया केस इन द डबलू एच ओ साउथ ईस्ट एशियन रीजन दो हजार बाईस के साउथ ईस्ट एशियन रीजन की अगर हम बात करें तो जो वर्ल्ड में मलेरिया केसेज आए उसमें से सिक्सटी सिक्स परसेंट नॉर्थ वर्ल्ड में साउथ ईस्ट एशियन रीजन में डब्ल्यू एच ओ के साउथ ईस्ट एशियन रीजन में जो केसेस आए सारे उसमें से 66 परसेंट केसेस इंडिया के थे राइट और ये डाटा डब्ल्यू एच ओ के द्वारा रिलीज किया गया है नेक्स्ट आ जाता है एज पर द मरकम कैपिटल ग्रुप्स लैंडिंग ग्लोबल लार्ज स्केल सोलर फोटोवोल्टिक डेवलपर्स रिपोर्ट पब्लिश इन दिसंबर डैश इज रैंक एज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट लार्ज स्केल सोलोफोटिक सोलर डेवलपर तो इंडिया की ये कंपनी रहेगी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ये वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट लार्ज स्केल सोलर फोटोवोल्टिक डेवलपर है एंड इनकी बात करें तो अगर अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की इनकी जो पोर्टफोलियो है सोलर एनर्जी का वो टोटल कितना है एटीन पॉइंट वन गीगाट का टॉप किसने किया टोटल एनर्जीज ने यहाँ पे टॉप किया टोटल एनर्जीज ये फ्रांस की कंपनी है एंड इनका पोर्टफोलियो कितना है रिन्यूएबल सोलर एनर्जी का फोर्टी वन पॉइंट थ्री गीगा वॉट का नेक्स्ट नेम द कंपनी जिन्होंने जे विद मोजाम्बिक पोर्ट्स एंड रेलवेज टू सप्लाई दस डीजल लोकोमोटिव विद देयर इंसिडेंटल सर्विसेज तो दस डीजल लोकोमोटिव डिलीवर करने की बात की अलोंग विद देयर सर्विसेज किस कंपनी के द्वारा वो है राइट्स लिमिटेड के द्वारा ये जो राइट्स ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मोजाम्पिक पोर्ट्स एंड रेलवेज के साथ दस डीजल लोकोमोटिव डिलीवर करने के लिए अलॉन्ग विद देयर सर्विस इनका जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यूएशन है वो है थर्टी सिक्स एट मिलियन डॉलर इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो तीन सौ चौदह पॉइंट वन करोड़ रुपीज़ का Next, Pacific, trend, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा नेक्स्ट पे आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ फिफ्थ एडिशन ऑफ द एशिया एंड द पैसिफिक रीजनल ओवरव्यू ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन स्टेटिस्टिक्स एंड ट्रेंड ये यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की गई एंड इसमें बताया कि 2021 में कितने परसेंट इंडियन ऐसे थे जो कि हेल्दी डाइट को अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो इस डाटा के हिसाब से सेवेंटी इंडियंस ऐसे हैं जो कि एक हेल्दी डाइट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते थे 2021 में और यही डाटा अगर मैं 2020 का आपसे पूछ देखूं बताऊं तो ये था 76.2 परसेंट इंडियंस ऐसे हैं जो कि एक हेल्दी डाइट को अफोर्ड नहीं कर सकते नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द मर्स क्वालिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ सिटी रैंकिंग 2023 इसने बताया कि कौन सी सिटी अगर हम इसी की बात करते हैं मर्सर्स की क्वालिटी ऑफ सिटी रैंकिंग इंडिया में वो कौन सी सिटी है जिन्होंने टॉप किया वो है हैदराबाद तेलंगाना की वर्ल्ड में हैदराबाद तेलंगाना की क्या रैंक रहेगी हंड्रेड एंड फिफ्टी थर्ड इंडिया की सिटीज में से इन्होंने टॉप किया वहीं पर अगर मैं पूछूँ ग्लोबल स्केल पर किन्होंने टॉप किया है तो ग्लोबली देखा जाए तो आपका वियना ऑस्ट्रेलिया इन्होंने टॉप किया वियना ऑस्ट्रिया नॉट ऑस्ट्रेलिया वियना ऑस्ट्रिया की फर्स्ट रैंक रही ग्लोबली एंड दिस इज फॉर द इलेवेंथ कॉन्जिक्यूटिव ईयर की इन्होंने यहाँ पे टॉप किया है ठीक है नेक्स्ट इन दिसंबर टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स लॉन्च अ प्रोग्राम इन सेंट लुशिया टू स्ट्रेंथन देयर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर इंडिया के पूछा जा रहा है कि विच कंट्रीज हैज बीन एज देयर पार्टनर एडमिनिस्ट्रेशन तो याद रखेंगे इंडिया को चूज किया गया है एंड इंडिया के यहां पे टैक्स एक्सपर्ट्स हेल्प करेंगे सेंट लुशिया में जाके उनके टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को और स्ट्रेंथन और मजबूत करने के लिए नेक्स्ट आ जाता है अकॉर्डिंग टू द माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 39 नाइन लेवरेजिंग डायस्पोरा फाइनेंस फॉर प्राइवेट कैपिटल मोबिलाइजेशन रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक इन दिसंबर डैश कंट्री हैज स्टॉप द रेमिटेंस चार्ट विद एन एस्टिमेटेड इनवर्ड रेमिटेंस फ्लो ऑफ हंड्रेड बिलियन डॉलर इन दो तो इंडिया ने यहाँ पे एक बिलियन डॉलर का इनवर्ड रेमिटेंस देखा इनवर्ड रेमिटेंस मतलब दूसरी कंट्री से पैसा इंडिया में फ्लो कर रहा है बाहर जो डायस्पोरा है इंडियन डायस्पोरा वो पैसा इंडिया में फ्लो कर रहा है और वो था एक बिलियन डॉलर का हमें इनफ्लो देखने को मिला एंड ये डाटा रिलीज किया गया अभी रिसेंटली करेक्ट एंड इसमें इंडिया ने यहाँ पे टॉप किया है एंड इवन ये इंडिया का हाईएस्ट एवल रेमिटेंस हमें इनवर्ड रेमिटेंस देखने को मिलेगा एक बिलियन डॉलर का नेक्स्ट आ जाते हैं नेम द डिजीज दैट हैज रिसेंटली रिकॉगनाइज एज द नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज बाई डब्ल्यू एच के द्वारा निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डिक्लेयर करी गई है वो है नोमा नेक्स्ट विच इंडियन कंपनी हैज रिसेंटली ज्वाइं वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम्स ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क एज देयर फैक्ट्री लाइट हाउस वो है ए सी जी एसोसिएटेड कैप्सूल इन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल लाइट हाउस को ज्वाइन कर लिया एज देयर फैक्ट्री लाइट हाउस नेक्स्ट आ जाते हैं इन दिसंबर यूएन ने डिक्लेयर किया ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द कैमलेट्स कैमलेट्स की बायोडाइवर्सिटी को इनकी जो इको सिस्टम है इनकी जो फूड सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करने के लिए दो हजार चौबीस को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द कैमलेट्स डिक्लेयर करा गया नेक्स्ट नेम देशन दिशेंटली पार्टनर्ड अफेयर्स टू लॉन्च प्रोजेक्ट अभी लॉन्च किया गया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर आईओ एम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के साथ मिलके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल प्रोजेक्ट प्रयास को यहां पे लॉन्च किया है ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं भूटान्स रेनिंग किंग जिग्मे खेसर नागमेल वोंगचुक इन्होंने अनाउंस किया जो गिलीफू माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट है 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में डेवलप किया जा रहा है गिलीफू इन भूटान तो ये गिलीफू इंडिया की किस स्टेट से बॉर्डर करता है तो असम के साथ ये गिलीफू सिटी बॉर्डर करता है ऑफ भूटान नेक्स्ट एज ऑफ दिसंबर इंडिया कुकिंग कोल इंपोर्ट वॉज हाउ मच तो इंडिया के जो कुकिंग कोल इंपोर्ट था वो कितना था वो था आपका 38.14 मिलियन टन ड्यूरिंग अप्रैल नवंबर पीरियड 11 महीने के लिए और फिजकल इ्वेंटी फोर एंड इंडिया में सबसे ज्यादा हमें कुकिंग कोल जो हम इम्पोर्ट कराते हैं कहाँ से कराते हैं ऑस्ट्रेलिया से कराते हैं कुकिंग कोल नेक्स्ट इन दिसंबर विच कंट्री अलॉन्ग विद इंडिया हैज एक्सटेंडेड देयर प्रोटोकॉल रूट एंड डिक्लेयर्ड सफरदिगी इन वेस्ट बंगाल एज द न्यू पोर्ट ऑफ कॉल तो ये रहेगा इंडिया ने विच कंट्री अलोंग विद इंडिया एक्सटेंडेड देयर प्रोटोकॉल रूट एंड डिक्लेयर सफर देगी वेस्ट बंगाल एज द न्यू पोर्ट तो रहेगी बांग्लादेश नेक्स्ट विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस दियर डिसीजन टू विड्रॉ फ्रॉम ओपेक ओपेक से उन्होंने विद्रॉ कर लिया विद इमीडिएट इफेक्ट फ्रॉम जनवरी दो कौन सी कंट्री रहेगी वो है रिपब्लिक ऑफ अंगोला रीजन बिंग इन्होंने क्यों विड्रॉ कर लिया क्योंकि जो इन्होंने कोटा सेटअप किया था ओपेक के द्वारा कितना आपको मीट करना पड़ेगा वो यहाँ पे मीट नहीं हो पाया इसलिए रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने डिसाइड किया टू कि वॉक अवे फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट आ जाते हैं इन विथ सिटी एथ्थ एडिशन ऑफ द इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम कॉन्क्लेव ऑफ चीप्स हुई दिसंबर 2023 में कहाँ पर देखने को मिली बैंकॉक थाईलैंड में 2023 से लेके 2025 तक हमें यहीं देखने को मिलेगी एंड 2021 से 2023 तक किसके पास थी ये आपकी इससे पहले थी फ्रांस के पास करेक्ट इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम आयोन्स करेक्ट एट्थ एडिशन हुआ कि, कि चेयरमैनशिप किसके पास है बैंक के पास दो हजार तेईस से दो हजार पच्चीस बाई क्रॉसिंग ट्वेंटी फाइव हंड्रेड इेटिंग इन द फोर्थ एडिशन ऑफ लो ब्रेगेट ओपन चेस टूर्नामेंट वो है वैशाली रामेश बाबू ये इंडिया की एटी फोर्थ ग्रैंड मास्टर एंड थर्ड इंडियन वीमेन ग्रैंड मास्टर बनी है ठीक है इससे पहले कोनेरू हम्पी हैं एंड फिर उनके बाद बनी थी हरिका द्रोना वाली इसी के अलावा याद रखेंगे वैशाली रामेश बाबू ये सिस्टर हैं आर प्रगनंदा की एंड वैशाली रामेश बाबू एंड आर प्रगनंदा ये पहले ब्रदर सिस्टर ड्यूओ बने जो कि ग्रैंड मास्टर बने हैं नेक्स्ट नेम द इंडियन टेनिस प्लेयर हैज़ रिसेंटली हुई द मैन सिंगल टाइटल ऑफ द आई टी एफ काला बुर्गई ओपन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री फाइनल हेल्ड कालाबुर्गई कर्नाटका तो कौन है नेम दैट इंडियन टेनिस प्लेयर कौन है वो वो है राम कुमार रामनाथन राइट ये वो इंडियन टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने अभी मैन सिंगल टाइटल जीता ऑफ आई टी एफ कालाबुर्गे ओपन 2023 फाइनल्स लोकेशन है कालाबुर्गे कर्नाटका में इसका फाइनल हुआ था एंड ये थर्ड आईटीएफ टाइटल रहेगा राम कुमार रामानाथन का 2023 के लिए नेक्स्ट अभी बीसीसीआई ने अनाउंस किया रिटायरमेंट ऑफ द फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर एमएस धोनी की आइकॉनिक जर्सी नंबर डैश को तो याद रखेंगे महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी का नंबर है 7 और इसको भी रिटायर किया गया रिटायर करने का मतलब हुआ कि ये जो का जर्सी कोई भी प्लेयर सिंह तेंदुलकर इनका जर्सी नंबर दस था उसको भी रिटायर किया जा चुका है महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो इनको पदमा श्री से सम्मानित किया गया था 2009 में पदमा भूषण से इनको 2018 में एंड ये सेकेंड क्रिकेटर बने आफ्टर सचिन तेंदुलकर जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था जिसको हम पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कहते थे एंड 2007 में इनको सम्मानित किया गया था नेक्स्ट है हमारा होमवर्क सेक्शन पहला यूपी गवर्नमेंट कोलैबोरेटेड विद विच इंस्टीट्यूट टू एनहेंस डिजास्टर मैनेजमेंट दूसरा अभी रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज रिलीज गाइडलाइंस फॉर स्टार्टिंग पायलट प्रोग्राम्स टू यूज ग्रीन हाइड्रोजन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर अभी अभी हमने देखा है ये तीसरा वॉट वॉज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैसिनी ह्यूजेंस मिशन रिसेंटली सीन इन न्यूज चौथा आर्क्योलॉजिस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड एन एथ सेंचुरी कोटरावाइज कल्चर इन विच स्टेट एंड पांचवा एटमोसो स्पेक्ट्रस लैपटोपलिस रिसेंटली सीन इन न्यूज ये किस स्पीशीज से बिलोंग करते हैं राइट तो ये पांच आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session. And you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided that is 767733862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle that is affairs cloud underscore official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support at the rate of affairscloud.com. And I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.